नमस्कार दोस्तों, ऑलराउंडर गार्गी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जो रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं वो बच्चों की है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज हम होममेड सेरेलेक बनाएंगे और होममेड सेरेलेक बनाने के लिए ये एक तो बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस है, दूसरी बात इसके अंदर हम जितने भी दाल चावल सब जो भी यूज करेंगे वो एकदम प्योर रहेगा, तो सारे न्यूट्रिएंट्स बच्चे को मिल सकते हैं। तो इसको आप कैसे बनाना है वो भी मैं बताऊंगी लास्ट में, और कितना बनाना है बच्चों के हिसाब से, कैसे घोलना है, कैसे उसको पकाना है वो भी बताऊंगी लास्ट में, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो होममेड सेरेलेक बनाने के लिए हमने लिया है चावल, मूंग की दाल, अरहर की दाल, चने की दाल, ड्राई फ्रूट्स में हमने लिया है काजू, बादाम, अखरोट, मूंगफली और थोड़ा सा एक चम्मच जीरा। मैंने इसमें जो चावल लिया है वो एक कटोरी चावल लिया है, ये वाली स्मॉल साइज की कटोरी है, एक कटोरी चावल लिया है, आधा कटोरी मूंग की दाल ली है, आधा कटोरी अरहर की दाल ली है और बहुत जरा सी चौथाई कटोरी से भी कम चने की दाल ली है। और क्योंकि अभी समर्स का टाइम है इसीलिए हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स कम डालेंगे, और विंटर्स में हम ड्राई फ्रूट्स ज्यादा ऐड कर सकते हैं। ये काजू, थोड़े से बादाम, थोड़े से अखरोट और थोड़ी सी मूंगफली, और एक चम्मच लिया है मैंने जीरा, जिससे बच्चे का जो एपिटाइट होता, मतलब जो हाजमा होता है, इट्स अ वेरी गुड एपिटाइजर, तो उसके लिए लिया हमने एक चम्मच जीरा। तो हम सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स को अलग कर दे रहे हैं और जितनी भी दालें हैं और चावल है उसको हम भिगो लेंगे। अभी हमने एक बड़ा बाउल ले लिया है, इसमें मैं सारी दाल चावलों को भिगो दूंगी और रात भर मैं इसको भिगो रहने दूंगी। हमें कम से कम 4 से 5 घंटे इसको भिगोना है। इनको अच्छे से वॉश कर लेंगे और इसको मैं रात भर भीगा रहने दूंगी। इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसको बहुत अच्छे से धो दिया है, कम से कम 7-8 बार अच्छे से धो दिया है, तो इसके अंदर जो भी पाउडर केमिकल्स वगैरह होंगे वो सब निकल जाएंगे अच्छे से। और अब मैं इसको 5 से 6 घंटे के लिए भिगोने रख दूंगी, क्योंकि इसके अंदर सारी पल्सेस हैं, राइस है, तो ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है बच्चों के लिए, और आप इसको 2 से 3 बार भी दे सकते हैं दिन में, तो इट्स अ कंप्लीट डाइट, तो आप इसको बच्चे के लिए 2 से 3 बार भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसको ढक के रख देते हैं रात भर के लिए और फिर हम आगे की रेसिपी देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इसे 6 से 7 घंटे के लिए भिगो दिया था सारी दाल और चावलों को। अब हम इसे अच्छे से एक बार वॉश कर लेंगे, 2-3 बार वॉश कर लेंगे और फिर इसको चन्नी में पसा देंगे जिससे इसका सारा पानी निकल जाए। तो हमने एक छन्नी ले ली है, इसमें हम इसे पसा देंगे। तो हमें बेसिकली इसका पानी सुखाना है, तो हम पहले इसे चन्नी में पसाएंगे और उसके बाद मलमल के कपड़े में बिछाएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं इसे छन्नी में पसा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसे छन्नी में पसा दिया है। अब जो एक्सेस वाटर है इसमें से निकल जाने दूंगी मैं और फिर इसको एक मलमल के कपड़े पे बिछा देंगे और पंखे में या हल्की सी सीरक में इसे सुखाएंगे। जब इसका सारा एक्सेस वाटर सूख जाएगा उसके बाद हम अपना नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं इसे एक्सेस वाटर निकाल के एक कपड़े पे बिछाऊंगी। फ्रेंड्स, मैंने एक मलमल का कपड़ा बिछा लिया है, ये बहुत ही सॉफ्ट कॉटन की धोती मतलब साड़ी है, इसको मैंने अच्छे से बिछा लिया है। अब मैं इसके ऊपर इसे स्प्रेड कर दूंगी और इसे थोड़ी देर सुखाऊंगी, 1 से 2 घंटा, क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है तो ये बहुत जल्दी सूख जाएगा। हमें इसका सिर्फ एक्सेस वाटर निकालना है, तो इसमें मैं स्प्रेड कर दूंगी।
इसको मैं स्प्रेड कर दूंगी और थोड़ा सा जो गर्माई हो या फैन के नीचे या आपके पास थोड़ा सा स्पेस हो लॉन में, आप इसको थोड़ा सा सुखाने रख सकते हैं। तो चलिए इसको सुखाते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने ये पल्सेस को, दालों को और ये चावल जो थे उसको अच्छे से सुखा लिया है। अब हम इसको भूनेंगे, इन सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं और ये पल्सेस हैं उनको बहुत अच्छे से भूनेंगे। इसके लिए मैंने एक बड़ी कढ़ाई ले ली है क्योंकि काफी सारा है ये। अच्छा, एक बात और, हम इसमें किसी भी चीज, किसी भी तरीके का ऑयल ऐड नहीं करेंगे, ना ही घी ऐड करेंगे, क्योंकि ये स्टोर करके रखने वाली चीज है। तो हम इसको विदाउट ऑयल और घी ही भूनेंगे जिससे ये लंबे समय तक खराब ना हो। ये वैसे ये जो सेरेलेक होता है मैं 15 से 20 दिन के लिए बनाती हूँ, लेकिन आप इसको स्टोर करके 3 से 4 महीने के लिए भी फ्रिज में रख सकते हैं, कुछ नहीं बिगड़ता इसका। तो इसको हम 15-20 मिनट के लिए ऐसे ही कढ़ाई में रख के चलाते रहेंगे जब तक इसका मॉइस्चर पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाता, और फिर उसके बाद हम ड्राई फ्रूट्स को भी ऐसे ही रोस्ट कर लेंगे इसमें, कढ़ाई में, जब तक उसमें से सारा मॉइस्चर खत्म नहीं हो जाता। किसी भी तरीके का मैंने ऑयल या घी ऐड नहीं किया है। जब मैं इसको पूरा तैयार कर लूंगी और बच्चों को देने के लिए बनाऊंगी तब मैं उस टाइम घी और ऑयल ऐड करूंगी, ऑयल नहीं घी ऐड करूंगी। तो इसको मुझे बहुत अच्छे से अब पकाना है। 15-20 मिनट लगेंगे इसको पकने में, तो आप इसको फुल गैस पे रख के हल्के हाथ से चलाते रहिए और जब तक ये क्रिस्प नहीं हो जाता एकदम, तब तक इसको ऐसे ही चलाते रहना है। ये जब पल्सेस और ये जो चावल हैं ये अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे तो ये अपने आप में बहुत ही लाइट वेट हो जाएंगे और अलग ही आवाज करेंगे, मतलब कुरकुरी आवाज आने लगेगी। तो आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ ये पक गए हैं अच्छे से, तभी गैस बंद करें, उससे पहले गैस बंद ना करें और इनको अच्छे से चलाते रहें। खूब अच्छे से भूनना है इन्हें, जितना ज्यादा अच्छे से भुना हुआ होगा उतना ही सेरेलेक आपका अच्छा बनेगा और खराब नहीं होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसकी आवाज बिल्कुल बदल गई है और ये बहुत क्रिस्प होने लगा है, बहुत क्रिस्पी हो गया है। मुझे लगभग 10 मिनट लगे इसको पकाने में, फ्राई करने में। अब मैं इसे निकाल लूंगी और बाकी के ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करूंगी। आप खुद सुन सकते हैं कितनी क्रिस्पी आवाज आ रही है, मतलब जितनी ज्यादा इसके अंदर से मॉइस्चर उड़ जाएगा उतना ही ज्यादा ये ड्यूरेबल बनेगा। अब हम इसको निकाल सकते हैं, काफी भुन गया है ये। अब हम बाकी के ड्राई फ्रूट्स और जीरा डाल देंगे। इनको भी बहुत अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। अगर आपके पास छिलके वाली मूंगफली ना हो, बिना छिलके वाली हो तो बहुत ही अच्छी बात है। और ये जो छिलके वाली मूंगफली है इसका मैं छिलका रोस्ट करने के बाद हटा लूंगी। तो चलिए इनको अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं।
फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारी जो पल्सेस हैं ये बहुत अच्छे से सूख गई है और हमने इसे बहुत अच्छे से भून लिया है। ये ड्राई फ्रूट्स भी हमने बहुत अच्छे से रोस्ट कर लिए हैं, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अब हम इसको बहुत अच्छे से मिक्सी में पीस लेंगे। तो चलिए मिक्सी में एकदम बारीक पीस लेते हैं। फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसको बारीक पीस लिया है और ड्राई फ्रूट्स को अलग पीसा था और जो पल्सेस और राइस था उसको अलग पीसा था, लेकिन क्योंकि ड्राई फ्रूट्स में ऑयल होता है, उनके अंदर नेचुरल ऑयल होता है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा पेस्ट जैसा बन सकता है आपका, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आप उसको अच्छे से जैसे हम लड्डुओं को करते हैं ना, मिक्स करते हैं अच्छे से, ऐसे ही ड्राई फ्रूट्स को पल्सेस और राइस के संग हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हम फ्रिज में स्टोर करके रखेंगे। इसके अंदर मैंने किसी भी तरीके का घी या ऑयल नहीं यूज किया है। अभी मैं आपको इसे कुक करके भी बताऊंगी कि कैसे कुक करना है बच्चे के लिए। तो इसको हम एक साथ मिला लेते हैं। इसको हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है और देखिए बहुत ही न्यूट्रिशियस सेरेलेक हमारा एकदम तैयार है। अब मैं आपको उसको बना के दिखाती हूँ कि बच्चों के लिए कैसे बनाना है। इसे आप मीठा भी बना सकते हैं और नमकीन भी बना सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके बेबी को क्या पसंद है। तो अगर आप, मैं आपको नमकीन बना के दिखाऊंगी, लेकिन अगर आपको मीठा बनाना है तो वो भी मैं आपको बता दूंगी कैसे बनेगा। देखिए एकदम अच्छे से मिक्स हो गया है इसके अंदर सब कुछ और ये हमारा होममेड सेरेलेक एकदम रेडी है। हाईली न्यूट्रिशियस, नो मिलावट, 100% प्योर। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स एक बात और, इसको जब ठंडा हो जाए पीसने के बाद तभी इसको एयरटाइट कंटेनर में भर के रखें फ्रिज में, उससे पहले ना भरें। तो इसको ठंडा होने का इंतजार करें, नहीं तो ये खराब हो सकता है। तो मिक्सी में चलाने के बाद थोड़ा टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उस वजह से थोड़ा सा इसे ठंडा होने दें, उसके बाद इसको कंटेनर में, एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रखें। मैं एक चम्मच सेरेलेक ले रही हूँ, इसको ठंडे पानी में, मतलब सादा पानी नॉर्मल वाटर में मैं घोलूंगी। गर्म पानी में ना घोले नहीं तो लम्स बन जाएंगे। एक चम्मच सेरेलेक के लिए लगभग हमें आधा ग्लास पानी, आधा ग्लास से थोड़ा कम पानी चाहिएगा। इसे अच्छे से घोल लें, पहले घोलें फिर पकाएं। अब मैंने ये इसे घोल लिया है, कोई लम्स नहीं है इसके अंदर। अब मैं एक छोटी सी कढ़ाई में इसे पकाऊंगी। मैंने एक नॉन स्टिक पैन ले लिया है, ये तड़के वाला पैन है, आप छोटी कढ़ाई भी ले सकते हैं। अगर आपका बेबी बड़ा है तो आप क्वांटिटी ज्यादा ले सकते हैं। मैं एक चम्मच ही बना रही हूँ और मैंने इसमें थोड़ा सा घी डाल दिया है और अब मैं इस मिक्सचर को इसमें डाल दूंगी। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं कहीं तो भी आप इसको लेके जा सकते हैं, क्योंकि सारे होटल्स में इलेक्ट्रिक कैटल होती है, तो आप उस इलेक्ट्रिक कैटल में बहुत आराम से इसे पका सकते हैं। तो अगर आप कहीं बच्चों को लेकर ट्रैवल कर रहे हैं तो भी ये बहुत अच्छा मतलब एक ऑप्शन है आपके लिए, बहुत हेल्दी और न्यूट्रिशियस ऑप्शन है बच्चों के लिए। क्योंकि अक्सर जो बच्चे 1 साल से छोटे होते हैं उनके संग बहुत दिक्कत आती है खाने की, तो
ये उसके साथ बहुत अच्छा ऑप्शन है। और अब मैं इसे पकाऊंगी, क्योंकि मैं ये नमकीन बना रही हूँ, ये तो डलेगा ही डलेगा, बच्चों को फैट की बहुत जरूरत होती है इस टाइम, तो घी तो चाहे नमकीन बनाए आप चाहे मीठा बनाए घी जरूर डालें। अब अगर आपको मीठा बनाना है तो इसमें पिसी हुई चीनी डाल दें, और अगर नमकीन बनाना है तो इसके अंदर आप नमक डाल दें और इसको स्लो गैस पे पकने दें। धीरे धीरे बीच में चलाते रहिए और इसके इंग्रेडिएंट्स धीरे धीरे फूलने लगेंगे और पकने लगेंगे। अगर आप मीठा बना रहे हैं तो लास्ट में थोड़ा सा दूध या फॉर्मूला मिल्क जो भी आप यूज करते हो अपने बेबी के लिए वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं इसे नमकीन बना रही हूँ तो थोड़ा डाइल्यूट रखूंगी, खिचड़ी जैसा या दलिया जैसा डाइल्यूट रखूंगी। फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से बॉईल हो चुका है, और आप अपने अकॉर्डिंग कंसिस्टेंसी रख सकते हैं इसकी कि कितना गाढ़ा पतला जो आपको रखना हो उसके अकॉर्डिंग आप कंसिस्टेंसी रख सकते हैं। मैं ये कंसिस्टेंसी रखूंगी, और अगर आप गाढ़ा देते हो अपने बच्चों को तो आप थोड़ा सा गाढ़ा और कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा बच्चा बड़ा है तो आप इसमें टेस्ट के लिए हल्की सी काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आपके बच्चे मीठा खाते हैं तो आप इसमें पिसी हुई चीनी और दूध भी ऐड कर सकते हैं पानी कम डाल के। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ हमारा हेल्दी हेल्दी सेरेलक एकदम तैयार है बच्चों के लिए, ये जरूर ट्राई कीजिए, ये बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस है और आपके बच्चों को जरूर पसंद आएगा। आई होप आपको मेरी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।